बताओ आपके साथ ये खिलवाड़ हुई है कि नहीं हुई है। इसलिए जहां किसान को धोखा दिया, नौजवान की नौकरी रोजगार छीन लिया और लखनऊ जैसी जगह पर बड़े बड़े निवेश के आयोजन किए गए, बड़े बड़े कार्यक्रम किए और सरकार ने यहां तक कहा कि ये जो निवेश होने जा रहा है ये अभी तक का उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा निवेश होगा, लेकिन निवेश के नाम पर मैं समझता हूं जमीन पर कुछ नहीं पहुंचा, न निवेश दिया, न नौकरी दी, न रोजगार दिया। इसलिए नौजवान साथियों, ये इंडिया गठबंधन के लोग हैं, जहां रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, वहीं अपनी माताओं बहनों के लिए हम कहना चाहेंगे कि किसी समय पर समाजवादी पार्टी उन्हें समाजवादी पेंशन देकर के उनको सम्मान देती थी, इस सरकार ने रोक दिया। कन्या विद्याधन देती थी, सरकार ने रोक दी। लेकिन इधर इंडिया गठबंधन ने तय किया है कि अपनी गरीब परिवार की माताएं बहनों को उनके सम्मान के लिए भी अगर हमें लाख रुपए भी देना पड़ेगा तो उनके अकाउंट में लाख रुपए पहुंचाने का काम होगा। जहां अपनी माताओं बहनों के सम्मान के लिए लाख रुपए, वहीं पुरानी पेंशन भी बहाल होने का काम अगर होगा तो समाजवादी सरकार जो बनी थी वो करना चाहती थी। लेकिन आने वाले समय में जब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो आपकी पुरानी पेंशन को भी बहाल करने का फैसला इंडिया गठबंधन की सरकार में लेंगे। यहां हमारे रोजगार सेवक होंगे, आशा कार्यकर्ता हैं और भी तमाम ग्राम पंचायत के स्तर पर जो तमाम रोजगार हैं उन लोगों का भी मानदेय बढ़ाने का काम करेंगे। जहां हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे वहीं कहीं ना कहीं व्यवस्था ऐसी भी लाएंगे कि हमारे गरीबों को जो बहुत कुछ पैसे वाले कुछ होते हैं गांव में उनसे सूद पर पैसा लेना पड़ता है, हम अपने गरीबों के लिए कोई ना कोई ऐसा फैसला लेंगे जहां बैंकों से कर्ज माफ करेंगे और गरीबों को सस्ते में कर्ज मिल जाए जिससे उन्हें कभी भी किसी के सामने अपने हाथ ना फैलाना पड़े। इसलिए मदद करिए आप सब लोग मिलकर के, सहयोग करिए सब लोग। बताओ बलिया के लोग मदद करोगे? सब लोग मदद करना। ये क्रांतिकारी धरती है, ये इसने क्रांतिकारियों को पैदा किया है, न केवल क्रांतिकारियों को जन्म दिया है बल्कि तमाम ऐसे लोग जिन्होंने समय समय पे समाज के लिए और समाज को दिशा देने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। जब हम समाजवादियों को मौका मिला न केवल क्रांतिकारियों का सम्मान बढ़ाया बल्कि जिनकी वजह से बलिया को सम्मान मिला उन तमाम महापुरुषों को भी हम लोगों ने समय समय पर सम्मान देने का काम किया। अगर बलिया में देना पड़ा होगा यूनिवर्सिटी बना करके तो बलिया में यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया। लेकिन हमें दुख है इस बात का कि जहां बलिया में यूनिवर्सिटी बनाई समाजवादियों ने, देश के रहे प्रधानमंत्री जी उनके नाम पर, लेकिन पहले अपॉइंटमेंट से लेकर के आखिरी अपॉइंटमेंट तक कोई भी पीडीए परिवार का उसमें शामिल नहीं हुआ, उसके साथ भेदभाव हुआ। अगर किसी को सम्मान लखनऊ की राजधानी में देना पड़ा होगा तो चाहे जनेश्वर मिश्र जी का पार्क बनाया हो, चाहे जयप्रकाश जी के नाम पर म्यूजियम और सबसे शानदार बिल्डिंग बनाई हो, अगर किसी ने सम्मान दिया तो समाजवादियों ने दिया है। इसलिए हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि आने वाले समय में हम लोगों को मौका मिलेगा तो जो इंडिया गठबंधन का फैसला है, समाजवादियों ने जो फैसले लिए हैं वो जमीन पर तो उतारने का काम करेंगे, साथ ही साथ बलिया के विकास को भी पीछे नहीं छोड़ेंगे, बलिया को का भी विकास आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसलिए मदद करिए, जो सड़क कभी छूट गई गाजीपुर तक, जो एक्सप्रेसवे छूट गया गाजीपुर तक, उसको बलिया लाने का काम कोई करेगा तो वो समाजवादी लोग करेंगे।
क्योंकि सड़क बनने से, रफ्तार बढ़ने से न केवल प्रगति होगी बल्कि हमारे तमाम लोगों का जीवन भी बदलेगा। जहां रोजगार के अवसर पैदा होंगे, वहीं हमें आने जाने में आसानी होकर के हमारा व्यापार कारोबार भी बढ़ेगा। इसलिए मदद करिए। जहां गाजीपुर की दोनों विधानसभा, मोहम्मदाबाद और जहूराबाद, वहां के भी लोग आए होंगे। हालांकि बलिया की जिम्मेदारी केवल बलिया जिताने की नहीं है, बलिया तो जिताना ही जिताना, सलीमपुर में भी मदद करना, और सलीमपुर के साथ साथ आपको गाजीपुर में भी मदद करनी है। ये सातवें चरण का चुनाव ऐसा है कि अगर आप सातवें चरण में वोट डाल देंगे तो हम लोगों की गिनती भी बढ़ जाएगी, और मुझे तो ऐसा लगता है कि इस बार इतनी गिनती बढ़ने जा रही है कि अभी तक का समाजवादियों का रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। बलिया में चुनावी जनसभा